चीनी शोधकर्ताओं ने चीन की कोरोना वैक्सीन सिनोवैक को लेकर एक अध्ययन किया है। इसके असर को जानने के लिए किए गए इस अध्ययन में बड़ा खुलासा हुआ है। उनके अनुसार जिन लोगों ने सिनोवैक कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है, उनमें 6 महीने बाद एंटीबॉडीज कम होती दिख रही है। ऐसे में शोधकर्ताओं का दावा है कि सिनोवैक लेने वालों को इसकी तीसरी डोज या बूस्टर डोज लेने की जरूरत होगी। श्रीलंका की अथॉरिटीज ने दावा किया है कि उनके यहाँ एक घर के पिछवाड़े एक कुएं की खुदाई में दुनिया का सबसे बड़ा नीलम का बेशकीमती पत्थर मिला है। बेशकीमती पत्थरों का व्यापार करने वाले एक कारोबारी ने बताया कि यह बेशकीमती नीलम का पत्थर है। एक व्यक्ति को उसके घर के पीछे कुएं की खुदाई के दौरान अचानक मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीलम के पत्थर की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 100 करोड़ डॉलर है। भारतीय मूल के ब्रितानी उपन्यासकार संजीव सहोता उन 13 लेखकों में शामिल हैं जिनकी किताब चाइना रूम को इस साल बुकर पुरस्कार के दावेदारों की सूची में शामिल किया गया है। 40 वर्षीय सहोता के दादा दादी 1960 के दशक में पंजाब से यहां आए थे। सहोता ने पहले भी द ईयर ऑफ दी रणवीर के लिए 2015 के बुकर पुरस्कार के दावेदारों में जगह बनाई थी और उन्हें 2017 में साहित्य के लिए यूरोपीय संघ पुरस्कार मिला था। हिंद महासागर के नीचे एक प्राचीन ज्वालामुखी मौजूद है। विशेषज्ञों ने पहली बार इस प्राचीन ज्वालामुखी की गहरी आंख को खोजा है। इस आंख को आम भाषा में कालरेडा कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने इसकी खोज के बाद इसकी 3D मैपिंग की। इसके बाद उन्हें जो मिला वो बिल्कुल द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आई ऑफ सरोन की तरह दिखाई देने वाली आकृति थी। कोरोना वैक्सीन लेने के बाद एंटीबॉडीज कितने समय तक रहेंगी, ये सवाल बार बार पूछा गया। द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी के मुताबिक फाइजर और एस्ट्राजेनेका से पूरा वैक्सीनेशन होने के 6 हफ्तों बाद कुल एंटीबॉडीज का स्तर कम होने लगता है। स्टडीज में सामने आया है कि 10 हफ्तों के बाद एंटीबॉडीज का स्तर 50% से ज्यादा कम हो सकता है। यह स्टडी 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के 600 लोगों पर किया गया है। टोक्यो ओलंपिक का आज 6ठा दिन है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर निराश किया। ब्रिटेन ने उसे 4-1 से हरा दिया है। हालांकि बैडमिंटन से भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है। स्टार शटलर पीवी सिंधु ने हांगकांग की चियोंग नगन को हरा दिया है। वहीं तीरंदाजी में तरुणदीप राय ने पुरुष अंतिम 32 वर्ग के मुकाबले में यूक्रेन के हनबिन को मात दी है, लेकिन वह अपने सफर को इससे आगे नहीं बढ़ा सके। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां एक बस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि लाशें सड़कों पर बिखर गईं। इस हादसे में 18 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बाराबंकी के रामसनेटी घाट के पास अयोध्या लखनऊ हाईवे पर आधी रात को हुआ। बताया जा रहा है कि बस हरियाणा के पलवल से बिहार जा रही थी। बस में मजदूर सवार थे जो बिहार लौट रहे थे। कर्नाटक में पिछले कुछ समय से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे राजनीतिक संशय पर बादल छट गए हैं। कर्नाटक के गृह मंत्री अब नए मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान बीएस येदुरप्पा ने बसवा राज के नाम पर प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। बसवा राज आज सुबह 11 बजे सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। टीम इंडिया के ऑलराउंडर कुणाल पांड्या मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला दूसरा T20 स्थगित कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि कुणाल के संपर्क में आए दूसरे भारतीय खिलाड़ी कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं और इसीलिए अब भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 खेला जाएगा। बता दें कि कुणाल पांड्या कोविड पॉजिटिव पाए जाने के साथ ही T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। तेल वितरण कंपनियों ने लगातार 11वें दिन यानी बुधवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक जारी रखी, जो कई हफ्तों से सबसे लंबी अवधि है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में स्थिरता के कारण राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली में पेट्रोल 101.84 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है, जबकि डीजल बुधवार को 89.87 रुपए प्रति लीटर पर अपरिवर्तित रहा। सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।